मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री का 8 चैप्टर क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है द मौर्याज, द फर्स्ट एम्पायर द मौर्याज, मतलब हमारे यहाँ का जो पहला शासक था मौर्य, उसके बारे में बताया हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही मजेदार है मौर्यों के बारे में, ठीक है। इससे हमें अपनी सभ्यता के बारे में भी पता चलता है कि क्या था, कैसे था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करने को मिलेंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है लर्निंग आउटकम्स, पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए। बोल रहा है लिस्ट आउट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट किंगडम्स डायनेस्टीज एंड एग्जाम्पल्स वाइज अशोका एंड इंस्क्रिप्शंस। बोल रहा है ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अच्छे से सहयोग किसका, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण किंगडम्स, राजाओं का और उनके साम्राज्य का, ठीक है, उसके बारे में पता चलना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जिन राजाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में हमें अच्छे से पता चल जाना चाहिए ये लेसन पढ़ने के बाद। लोकेट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स प्लेस ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, और इंडिया का जो मैप आएगा इसमें हम पढ़ेंगे तो आगे एक मैप आएगा, उस मैप के अंदर इम्पोर्टेंट साइट और प्लेसेस के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे है। मैप को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही सोल्व हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर है ये रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है, मतलब जो पहले के चैप्टर हमने पढ़े हुए और जो आगे बेसिक कहानी बन रही है उसके बारे में। तो बोल रहा है ही वाज ए हम्बल ओरिजन, ये बोल रहा है कि ये हमारी विनर्म उत्पत्ति थी। ही वाज अ हम्बल ओरिजन बट वाज पुशिंग टू एक्वायर द थ्रोन बाय सुपीरियर पावर ऑफ द माइंड, लेकिन जो दिमाग में एक ऐसा होता है कि हमें सबसे ऊंची ताकत चाहिए यानी सबसे बड़ा सिंहासन चाहिए। व्हेन आफ्टर हैविंग ऑफेंडेड द किंग्स, जब हम किसी राजाओं को, मतलब ये बोल रहा है व्हेन आफ्टर हैविंग, जब हो रहे थे ऑफेंडेड द किंग, ऑफेंडेड मतलब होता है अपमानित, ठीक है, किंग नंदा बाय हिज इंसोलेंस, बाय हिज इंसोलेंस का मतलब हो गया मतलब इनकी बदतमीजियों से। तो जैसे नंदा के जो राजा थे और इनने जो गलत काम किए, इंसोलेंस जो गलत काम किए उससे जो उनकी मतलब अपमानित हुए, जो कौन से राजा, नंदा देवी, ही वाज कंडमेंड, कंडमेंड मतलब होता है कि इस चीज की घोर निंदा की, टू डेथ बाय द किंग, राजा की मृत्यु पे, ही वाज सेव्ड बाय द स्पीड ऑफ हिज ओन फीट, ही गैदर्ड बंडिट्स, उन्होंने क्या किया भाई, अपने इकट्ठे किए डाकुओं को, एंड इनवाइट इंडियंस टू चेंज ऑफ रूल्स, और भारतीयों को इकट्ठा करके और कहा कि भाई चलो हम रूल को चेंज करते हैं। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, अंग्रेजों के बारे में बता रहे हैं भाई, मतलब उस टाइम पे जो भी जिस मतलब जिन्होंने भी हमारे ऊपर राज किया हुआ था, ग्रीक जो थे राज्य के, मतलब अंग्रेज नहीं ग्रीस के आदमी थे उस टाइम पे, और उन्हीं के द्वारा ये लिखी हुई है। देखो लिखा हुआ इन दीज लाइन्स द ग्रीक राइटर जस्टिन के द्वारा लिखी गई है। तो अलेक्जेंडर की कहानी है, तो अलेक्जेंडर जब राज करता था तो उससे पीछा छुटवाने के बारे में ये लिखा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर रीडिंग द अबो लाइन्स, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या समझते हैं ये ऊपर की लाइनें पढ़ने के बाद। ऊपर की लाइन में चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा है कि जो हमारी बेइज्जती और हमारा अपमान किया गया है उसका हमें बदला लेना है, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया और भाई इन चीज़ों का बदला लेने के लिए तैयार किया। वट वॉज द चेंज ऑफ रूल बींग टॉक अबाउट हेयर, और रूल बदलने के बाद या जो भी रूल बदला उसके बारे में हम जो भी चीज़ें हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो इस लेसन का थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो अब लेसन स्टार्ट करते हैं, अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है। इन्वेजन मतलब क्या होता है, आक्रमण, क्या होता है, आक्रमण। तो अलेक्जेंडर का आक्रमण इसके बारे में पढ़ेंगे इन 326। देखो जो ये बीसी है ना इसको ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदी में, और ये उल्टी चलती है भाई, ये 326 के बाद 327 नहीं 325 आएगी, फिर 324 आएगी, ऐसे चलते चलते फिर जीरो आ जाएगी और फिर जीरो के बाद ईयर स्टार्ट होंगे 1 2 3 4, समझ गए। तो इस तरीके से ये उल्टी काउंट होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इन 326 BCE, BCE यानी ईसा पूर्व, ईसवी से पहले, यानी इस जो इस मतलब कौन था वो क्रिश्चियंस का जो वो था भगवान जिसको वो मानते थे ईसा मसीह, उससे पहले बोल रहे हैं उसके 326 साल पहले, ईसा मसीह के 326 साल पहले, तो उल्टा ही चलेगा, फिर उनके 325 साल पहले, 324 साल पहले, तो इस तरीके से चलता है। अलेक्जेंडर द रूल ऑफ क्या हो गया, मैसेडोनिया, ठीक है, मैसेडोनिया इन ग्रीस, ठीक है।
अलेक्जेंडर कौन था, एक शासक था मैसेडोनिया का ग्रीस में, अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसने उत्तर और पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर हमला किया एंड डिफीटेड ए नंबर ऑफ रिपब्लिकन स्टेट्स, और काफी सारे जो स्टेट थे मतलब स्वतंत्र राज्य थे उनको कब्जा लिया। द मोस्ट फेमस ऑफ इट्स बैटल वाज विद पोरस, लेकिन उसकी जो सबसे मतलब जबरदस्त लड़ाई थी वो किसके साथ थी, पोरस के साथ थी। हुज किंगडम ले बिटवीन द रिवर झेलम एंड चेनाब, और पोरस कौन था, पोरस एक राजा था जिसका साम्राज्य नदी झेलम और चेनाब के बीच में फैला हुआ था, यानी झेलम और चेनाब नदी के बीच में किसका राज्य फैला हुआ था, पोरस का, और पोरस के साथ किसका झगड़ा हुआ था, अलेक्जेंडर का, यानी अलेक्जेंडर ने बहुत सारे आक्रमण किए थे लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट या मतलब फेमस आक्रमण है वो पोरस के साथ था। पोरस वाज डिफीटेड, पोरस को हरा दिया, बट इट इज सेड दैट, लेकिन ऐसा कहा गया कि अलेक्जेंडर रिटर्न द किंगडम टू पोरस, और अलेक्जेंडर ने मतलब पोरस को उसका साम्राज्य वापस दे दिया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं अलेक्जेंडर वॉन्टेड टू एडवांस फर्दर एंड डिफीट द नंदा रूलर, अब जो अलेक्जेंडर है वो क्या चाहता था कि वो आगे बढ़े और नंदा का जो रूलर है यानी नंदा जो साम्राज्य था उसको भी जीते, ठीक है। ऑफ मगध, मगध साम्राज्य जो आज प्रेजेंट का बिहार है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार पहले समय में जब मगध, ऐसा माना जाता है मगध के समय में बहुत पैसे वाला होता था, ठीक है। तो नंदा देवी का जो रूलर था उसको भी अलेक्जेंडर जीतना चाहता था, बट हिज आर्मी रिफ्यूज टू फाइट एनी मोर, लेकिन उसकी आर्मी ने मना कर दिया कि वो और नहीं लड़ेगी। दे वर प्रोबेबली होमसिक, वो घर जाने के लिए बेताब थे, एंड टायर्ड ऑफ फाइटिंग, और लड़ लड़ के थक गए थे। बिफोर लिविंग ही अपॉइंटेड गवर्नर इन इंडिया टू लुक आफ्टर द कॉन्क्वर्ड टेरिटरी ऑन हिज वे बैक, ठीक है। अब वो अलेक्जेंडर मजबूर हो गया क्योंकि ना तो उसके सैनिक लड़ना चाहते थे ना और आगे चलना चाहते थे, तो उसने क्या किया, उसने कुछ गवर्नर रख दिए, जहां तक उसने जीता हुआ था वहां पे उसने अपने गवर्नर रख दिए ताकि वो अलेक्जेंडर के नीचे राज करते रहे, ठीक है। अलेक्जेंडर डाइड ऑन ऑफ एन इलनेस एट बेबीलोन इन 323। अब देखो ये क्या था, 26, पहले क्या था, 326 में उसने हमला किया था, ठीक है ना, 326 में उसने मतलब अटैक किया था नॉर्थ वेस्ट में, और वो मरा कब था, 323 में, तो देखो 3 साल बाद मरा था, है ना, तो उल्टा चल रहा है ना, 323, तो बीमारी से मर गया था वो बेबीलोन में, काम रहा था बेबीलोन में, कौन मरा था, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने क्या क्या किया, अलेक्जेंडर ने उत्तर भारत मतलब उत्तर और पश्चिम भारत पर हमला किया था, और फिर यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन वो आगे नंदा जो राजा था उसको भी मतलब हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने मना कर दिया था कि भाई हम और आगे नहीं लड़ेंगे, और जो उसने पोरस के साथ युद्ध किया था वो पोरस का साम्राज्य ऐसा कहा जाता है कि उसने वापस दे दिया था, ठीक है। फिर ये तो मर गया, अब इसके बाद कौन आया, फिर आया चंद्रगुप्त मौर्य एंड द मौर्य एम्पायर, यहीं से मौर्य का शासनकाल शुरू हुआ, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन इंडिया, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना वो फाउंडर था किस चीज का, मौर्य डायनेस्टी का इन इंडिया। द एम्पायर सेट बाई एम्पायर सेट अप बाई हिम इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया। अब देखो ऐसा माना जाता है कि जो भाई एम्पायर सेट किया था मतलब जो साम्राज्य इसने क्या किया था, सेट किया था बाई हिम इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन काल का सबसे बड़ा मतलब साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मौर्य पीरियड आर, और ये सोर्स मतलब ये चीजें पता कैसे चली कि भाई उस टाइम का सबसे मतलब शक्तिशाली या साम्राज्य जो स्थापित किया था मौर्य ने किया था, तो इनके सोर्स होते थे, सोर्स मतलब कोई चीज तो होगी ना जिससे मिला हुआ, तो वो चीज क्या थी, इंदिका बाई मैगस्थनीज, ये मैगस्थनीज की कोई मतलब किताब या किसी चीज का नाम है इंदिका, ठीक है, उसमें से। फिर अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, कौटिल्य यानी चाणक्य भी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर मुद्रा रक्षा बाई प्ले ए विशखादत्ता, ठीक है, विशखादत्ता के द्वारा जो मुद्रा रक्षा थी उससे। एंड द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स, और पत्थर और मतलब पिलर और एडिक्ट्स का मतलब होता है शिलालेख, मतलब शिला मतलब होती है पत्थर और लेख उसके ऊपर लिखी हुई चीजें। तो अशोका के द्वारा जो एडिक्ट्स थी, जो मतलब पत्थरों के ऊपर लेख लिखे हुए थे, उन चीजों से इनके बारे में पता चलती है, किसके बारे में, कि मौर्यों का जो साम्राज्य था वो सबसे जबरदस्त था। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंट पर्सन विद एक्सेप्शनल मिलिट्री, और चंद्रगुप्त मौर्य है ना वो एम्बिशियस था, मतलब एम्बिशियस क्या होता है, महत्वाकांक्षी, हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी,
अब महत्वाकांक्षी का मतलब क्या हो गया, मतलब जो आकांक्षा रखता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और मतलब फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, मतलब थकावट वाला आदमी नहीं हो, मतलब ऊर्जा वाला आदमी हो, जैसे तुम स्टडी करते हो ऊर्जा के साथ भर के तो अच्छी तैयारी करोगे, ठीक है, तो इस तरह का था। एंड इंटेलिजेंट पर्सन, और बहुत ही जबरदस्त होशियार था, विद एक्सेप्शनल मिलिट्री, और मिलिट्री भी जबरदस्त थी, ठीक है, बहुत जबरदस्त उसके पास मिलिट्री थी। तो ये चीजें किसके पास थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। एबिलिटी, मिलिट्री एबिलिटी इन 321। अब देखो वो 23 में मर गया था, 323 में कौन मर गया था, चंद्रगुप्त, ये कौन मर गया था हमारा, अलेक्जेंडर, 23 में अलेक्जेंडर मर गया था, और यहाँ पे अलेक्जेंडर मर गया था, ठीक है, डेड हो गया था वो, और फिर आ गया था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अब बोल रहा है 321 में ही ओवरथ्रू द नंदा एंड बिकम द एम्परर ऑफ मगध, समझ गए। अब इसने 321 में, यानी इसके तीन साल बाद अलेक्जेंडर क्या चाहता था कि नंदा राजा को हरा कर और वो अपना शासन करे, तो वो तो कर नहीं पाया था क्योंकि उसके सैनिकों ने स्टैंड अप हो गए थे, मतलब हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया अब हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर अलेक्जेंडर ने क्या किया, मतलब इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 में नंदा जो साम्राज्य था उनको हरा दिया, उनको उखाड़ फेंका और वहाँ का राजा बन गया। ही वॉज हेल्प्ड एंड गाइडेड बाई हिज एडवाइजर चाणक्य। अब देखो उनको किसने गाइड किया था, चाणक्य ने गाइड किया था, उनका एडवाइजर था, जिसे हम कौटिल्य भी कहते थे। हु वॉज ए वाइज ब्राह्मण स्कॉलर, जो एक ब्राह्मण ज्ञान स्कॉलर, मतलब जिसको नॉलेज हो अच्छी, उसको बोला जाता है, ठीक है, वो एक ब्राह्मण स्कॉलर था। द मुद्रा रक्षा टेल अस हाउ ही प्लान्ड ए रिवोल्यूशन टू ओवर थ्रू द नंदा। सारी प्लानिंग उसी के द्वारा की गई थी और उसी के रिवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने उखाड़ फेंका था नंदा राजा को, समझ गए। तो यानी जो चाणक्य था उसकी नीति से ही जो मौर्य एम्पायर था चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने सारी प्लानिंग की और उसके द्वारा ही उन्होंने नंदा के राज्य को उखाड़ फेंका। ये बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग स्किल, फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द टर्म एम्पायर, डू यू नो द नेम ऑफ एनी अदर एम्पायर, डिस्कस देम इन द क्लास। देखो इन चीज़ों को समझ लो, एम्पायर जो होता है इसका मतलब होता है साम्राज्य, क्या होता है, साम्राज्य, और फिर एक होता है हमारा किंगडम, ठीक है, किंगडम होता है राज्य, तो राज्य जो है वो छोटा होता है और साम्राज्य जो है वो बड़ा होता है। साम्राज्य के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन राज्य के लिए इतनी खास चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोटी सी जगह पे भी आप राज करते हो तो आपका राज्य हो गया, लेकिन साम्राज्य के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन होना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एन एम्पायर एज मच, ये लिखा हुआ है, एन एम्पायर एज मच लार्जर एज साइज देन ए किंगडम, मोर रिसोर्स वर रिक्वायर्ड टू गवर्न एन एम्पायर, द ग्लोरी ऑफ एन एम्पायर ले इन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट स्पेयर सच एज आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है और एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें या इससे भी ज़्यादा आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। जैसे आज की आप गवर्नमेंट को देख सकते हो कि आज की गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तो वो सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। फिर बोल रहा है आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहासन पाने के बाद, चंद्रगुप्त टर्न्ड हिज अटेंशन टू पंजाब, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा राजा को हरा दिया, यानी कहाँ का था वो, मगध का राजा था नंदा, ठीक है, नंदा राजा को हरा करके और मगध पे साम्राज्य कर लिया, और उसके बाद फिर उनका ध्यान गया पंजाब की ओर, और फिर वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ गया। अब यहाँ पर कौन थे, पंजाब, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे अलेक्जेंडर के गवर्नर थे वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इन द नॉर्थ वेस्ट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, अब सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया, ठीक है, द ग्रीक गवर्नर, जो ग्रीक गवर्नर था अपॉइंटेड बाई अलेक्जेंडर, जिसे अलेक्जेंडर ने गवर्न किया था, एंड फ्रीड नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम ग्रीक कंट्रोल, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ग्रीक यानी अलेक्जेंडर के कंट्रोल से या ग्रीकों के कंट्रोल से मुक्त कराया, समझ गए एक तरीके से। तो पहले तो नंदा राजा को साम्राज्य जीत लिया, अब इनकी ताकत बढ़ गई, तो फिर इन्होंने पंजाब को मुक्त कराया, और फिर मतलब वेस्ट और नॉर्थ जो भारत है उसको आज़ाद करा लिया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान को, फिर बलूचिस्तान को, एंड एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस बिकम ए पार्ट ऑफ चंद्रगुप्त एम्पायर, और फिर ये सारा चंद्रगुप्त एम्पायर का हिस्सा बन गया। सेक्युलस आल्सो गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्ता एंड सेंट मैगजनीज एज ए एम्बेसडर टू हिज कोर्ट। अब देखो क्या हुआ, सेल्यूकस जो था उसको तो हरा दिया, ठीक है, फिर सेल्यूकस ने क्या करा, अपनी लड़की को भेजा शादी के लिए, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और मैगजनीज में इसको एम्बेसडर के रूप में भी भेजा कोर्ट में। चंद्रगुप्त कॉन्क्वर्ड, फिर चंद्रगुप्त ने, मतलब कॉन्क्वर्ड मतलब होता है हरा देना या हासिल करना,
फिर बोल रहा है चंद्रगुप्त कंक्योर्ड मेनी टेरिटरीज इन द साउथ स्ट्रेचिंग हिज एम्पायर बियॉन्ड द विंध्याज अप टू द डेक्कन। अब जो चंद्रगुप्त था ना उसने क्या किया, अपनी ताकत को बढ़ा दिया कहां तक, साउथ तक। और स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब होता है बढ़ा लेना, हिज एम्पायर उसके साम्राज्य को बियॉन्ड द विंध्याज, विंध्या पर्वत तो, और अप टू डेक्कन, डेक्कन तक, समझ गए, यहां तक उन्होंने क्या किया अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। थस वी सी दैट चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट ए वास्ट एम्पायर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द नर्मदा इन द साउथ। यानी साउथ में नर्मदा तक और बंगाल तक और हिंद कुश मतलब हिंदू कुश पर्वत जो था वहां तक इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य फैला लिया था। किसने फैला लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। टुवार्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब उनकी मृत्यु हुई यानी 298 BC, ठीक है 298 BC में चंद्रगुप्त बिकम ए जैन मोंक, फिर वो एक जैन बौद्ध बन गए, ठीक है जैन भिक्षु बन गए, मोंक माने भिक्षु। एंड गेव अप द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसारा, और जो सिंहासन था वो अपने पुत्र बिंदुसारा को दे दिया था। किसको दे दिया था, बिंदुसारा को। अब देखो अभी तक हमने तीन राजाओं के बारे में पढ़ा, अलेक्जेंडर के बारे में, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और नंदा राजा के बारे में पढ़ा था, ठीक है अब हम पढ़ रहे हैं बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन था, ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, किसका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। बिंदुसारा सक्सेड हिज फादर इन अबाउट 298, जब उसके पिता मरे 298 में तब वो राजा बना। ही एक्सटेंडेड द एम्पायर एज फार एज मॉडर्न डे कर्नाटका, फिर उन्होंने भी अपना मतलब बिंदुसार ने भी अपना साम्राज्य बढ़ाया कहाँ तक, कर्नाटक था। इन द इंटायर सब कंटिनेंट, पूरे साम्राज्य में ओनली किलंगा एंड द साउथर मोस्ट पार्ट वर आउटेड द मौर्य रूल, सिर्फ किलंगा, किलंगा एक जगह थी, किलंगा और साउथर मोस्ट, साउथ का कुछ हिस्सा ही मौर्यों के साम्राज्य में नहीं था, बाकी सब पे बिंदुसार ने कब्जा कर लिया था। बिंदुसार डाइड अराउंड 273, देखो 98 में ये बना था और कब मर गया था, 273 में मर गया था, पैदा नहीं हुआ था, बना था 98 में, ठीक है और 273 में ये मर गया था, ठीक है। और इनका मतलब बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, दीपवंश में इनका जिक्र है, ठीक है बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में इनका जिक्र है और उसमें बताया हुआ है कि इनकी 16 पत्नियां थी, बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और 101 लड़के थे, 101 पुत्र थे बिंदुसार के, समझ गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया और बिंदुसार के बाद फिर आया अशोका, फिर अशोका देखो, अब ये देखो 73 में बना और अशोका एसेंड थ्रोन अबाउट 73 में ही अशोका ने साम्राज्य स्थापित कर लिया, मतलब उसने सिंहासन को ले लिया। अशोका इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज अशोका द ग्रेट, अशोका को अशोका द महान के नाम से जाना जाता था या प्रसिद्ध थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, वो भारत के सबसे महान रूलरों में से गिने जाते थे। अंडर हिज रूल द मौर्य डायनेस्टी रीच द हाइएस्ट ऑफ इट्स ग्लोरी, और इनके साम्राज्य में, किसके साम्राज्य में, अशोका के साम्राज्य में ऐसा माना जाता है कि जो मौर्यों का राज्य है वो सबसे ऊपर था, ग्लोरी पे था। ग्लोरी मतलब मतलब ऐसा मान लो आप अपना वैभव और हर चीज में वो एक बेस्ट सुटेबल सिचुएशन में था कि उससे ऊपर कुछ नहीं था, ऐसा मान सकते हो। When Ashoka ascended the throne in about 273, he went on campaign of conquest and expand the empire further. फिर अशोका ने भी अपना एम्पायर बढ़ाया, ठीक है। अब देखो जो बिंदुसार था वो कहाँ पे नहीं जीत पाया था, किलंगा में नहीं जीत पाया था और कुछ मतलब साउथ और मोस्ट का कुछ हिस्सा रह गया था। फिर इसने अशोका ने भी अपना एम्पायर बढ़ाया। However, after the war with किलंगा, he gave up war. अब देखो किलंगा जो रह गया था, किलंगा के साथ युद्ध किया किसने, अशोका ने, वो जीत गया था लेकिन बाद में उसने वार छोड़ दिए, गिव अप वार कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, और पीस और नॉन वायलेंस का बन गया। ही वॉज द फर्स्ट किंग इन द एंशियंट वर्ल्ड, अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो एक पहले राजा थे जो प्राचीन मतलब विश्व में गिव अप वार एंड प्रोक्लेम पीस, और जो मतलब वार और घोषणाएं कर रहे थे, जिन्होंने मतलब युद्ध छोड़ दिए थे और उन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अशोका जो है वो पॉपुलरली अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता था और उनके समय में बहुत ही अच्छा वो था और किलंगा का युद्ध किया। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई, किलंगा का युद्ध, युद्ध विद किलंगा, कलिंगा जो भी आप बोलो,
ठीक है। कलिंगा वाज ए पावरफुल किंगडम, ये एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। देखो इससे कैसे पता चलता है, अगर ताकतवर नहीं होता तो बिंदुसार ही इस पे मतलब इस पे कब्जा कर लेता था, ठीक है। और इस युद्ध में ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे आदमी मरे थे और बहुत हिंसा हुई थी। इट हैड एक्सेस टू सी एंड कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो इसकी मजबूती का पता चलता है कि भाई इनके पास जो है समुद्री रास्ते थे, कंट्रोल था उनके ऊपर, एंड सी रूट और साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ इनके तगड़े संबंध थे। ही वॉन्टेड टू कंक्योर क्लिंग टू कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ हिज एम्पायर एंड बिकम द अनरिवल्ड रूलर ऑफ द इंटायर कंट्री। और पूरे कंट्री पे इनका मतलब, अगर यहाँ से इस रास्ते से जैसे अगर इस रास्ते पे अपन राज कर लेते हैं, मतलब इनका जो बिंदु अशोका था, जो अशोका राजा था, उसने सोचा अगर भाई किलंगा पे हम राज करेंगे तो हमारा पूरे साउथ ईस्ट एशिया से और समुद्री रास्ते पे हमारा व्यापार का बहुत सहायता होगी और हम और ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। किलंगा हैज़ हिड प्रोस्परस ट्रेडिंग रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और इनके बहुत ही तगड़े, किलंगा के बहुत तगड़े संबंध थे साउथ ईस्ट एशिया से और अच्छा तगड़ा बिजनेस था। अशोका अटैक्ड किलंगा इन 261 BC, और 261 BC में अशोका ने हमला किया किलंगा पे। किलंगा वाज एनेक्स्ड बट द वार विद किलंगा वाज ब्रूटल। अब देखो किलंगा को हथिया तो लिया, एनेक्स्ट मतलब एक तरीके से हथिया लेना या कब्जा कर लेना, लेकिन उस युद्ध में बहुत ही ब्रूटल होता है मतलब निर्मम तरीके से, रिजल्टेड इन ट्रमेंडियस सफरिंग, जबरदस्त सफरिंग मतलब होता है मृत्यु हुई या झेला, एंड लॉस ऑफ लाइफ और मृत्यु हुए लोग, कहने का मतलब बहुत बुरी तरीके से बहुत खराब काम हुए उस युद्ध में। युद्ध में भाई खराब ही होते हैं, मरते हैं लोग, तड़पते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स बताते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ मैन, बोल रहे मतलब सैकड़ों हजार आदमी, सैकड़ों हजार का मतलब हो गया सौ और फिर उसके बाद थाउजेंड्स, सैकड़ों हजार आदमी, औरतें और बच्चे वर किल्ड, मारे गए। अशोका विक्ट्री इन किलंगा डिड नॉट ब्रिंग हिम एनी जॉय और सेटिस्फैक्शन। अशोका जीत तो गए किलंगा को, लेकिन उन्हें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और मतलब उन्हें कोई मजा नहीं आया इस युद्ध से। द लॉस ऑफ लाइफ इफेक्टेड हिम ग्रेटली एंड ही वॉज रियली डिस्टर्ब आफ्टर वार। उन्होंने जो मृत्युएं देखी, लोगों को मरते हुए देखा, उसने उनके जीवन को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया कि वो डिस्टर्ब हो गए, मतलब उनको राजवाज नहीं चाहिए था, सब चीज़ें उनके लिए बेकार हो गई थी, समझ गए। तो फिर क्या हुआ, अब देखो चीज़ें बेकार हो गई थी, ये नक्शा है जो हम रीड आउट करेंगे एक बार मोटा मोटा, ठीक है। आफ्टर कॉन्क्योरिंग किलिंगा, जब किलिंगा उन्होंने जीत लिया, अशोका गिव अप वार, अशोका ने युद्ध छोड़ दिया एंड बिकम ए बुद्धिस्ट, और बौद्ध बन गए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू रूल ओवर द होल ऑफ इंडिया बैरिंग द साउथर मोस्ट रीजन। और जब वो बौद्ध बने थे तो उनका लगभग पूरे भारत पे राज था, कुछ साउथ का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दें तो। अब देखो ये रहा, ठीक है, ये हमारी दिल्ली है, मथुरा है, बैरात है, उज्जैन है, गिरनार है, ठीक है, और ये चंपारण है, ठीक है, और यहाँ पे है ये रहा मगध, ठीक है। एक तो ये मगध पढ़ा था हमने इम्पोर्टेंट, ठीक है, मगध, फिर ये रहा किलंगा, ठीक है, कलिंगा, ये रहा, तो मगध और कलिंगा ये छुटवा लिए थे, ठीक है। और ये देखो ये रही नर्मदा नदी, यहाँ तक इनका साम्राज्य था, जो जो हमने पढ़ा वो सारा यहाँ पे इनका क्या था, साम्राज्य था। और ऊपर की तरफ फिर ये हिस्सा भी उन्होंने छुटवा लिया था अफगानिस्तान वगैरह का, ठीक है, ये रहा झेलम नदी, ठीक है, जो जो हमने पढ़ा था मतलब वहाँ पे हर जगह इनका राज था। ये कपिल वस्तु बहुत ही फेमस थी उस टाइम पे, यमुना नदी, चंबल, ठीक है, चोलाज, चेराज, पांड्याज, तो ये अलग अलग जगह पे उनका जहाँ जहाँ पे राज था उसके बारे में। फिर अशोका एंड बुद्धिज्म, अब देखो भाई युद्ध तो छोड़ दिया अशोका ने, अब देखो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला राजा कौन था, अलेक्जेंडर भारत आया, वो नंदा राजा को हराना चाहता था, वो हरा नहीं पाया क्योंकि उसके सैनिक नहीं चाहते थे। फिर नंदा राजा को किसने हराया, उसके मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने हराया, वहाँ पे साम्राज्य किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका लड़का आया बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका लड़का आया अशोका। फिर अशोका ने युद्ध करके किलंगा को जीता, लेकिन किलंगा जीतने के बाद अशोका हताश हो गया और वो दुखी हो गया कि भाई मेरे को आगे और युद्ध वुद्ध कुछ नहीं करना। तब अशोका ने क्या किया, अशोका एंड बुद्धिज्म, तब फिर अशोका और बुद्धिज्म के बारे में आती हैं बातें। अशोका वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई द बुद्धिस्ट,
अब बौद्ध धर्म से वो बहुत तगड़ा प्रभावित था, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपेशन एंड पीसीज, बट ही नेवर फोर्स इट ऑन हिज सब्जेक्ट। अब देखो वो प्रभावित हो गए और उन्होंने अहिंसा का और मतलब शांति का पाठ पढ़ाया और अपने आप को भी उसी में फॉलो किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं किया। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स इक्वली, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। अशोका सेंट हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका, उन्होंने अपने बच्चे को जो उनकी पहली पत्नी देवी, ठीक है, देवी से पैदा हुए थे, ठीक है, पहली पत्नी देवी महिंद्रा से और ये क्या नाम था संघमित्रा और महेंद्र जो उनके लड़का और लड़की थे, जो देवी उनकी पत्नी थी उससे पैदा हुए थे, और उन्हें श्रीलंका में भेजा किस लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो फिर वो चले गए थे बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। फिर इसमें है ना देखो ये पियदासी, किंग पियदासी, इसके बारे में डिस्कस किया गया इस में, ठीक है। तो आपको अगर ये पियदासी समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय, किसका प्रिय, देवताओं का प्रिय, ठीक है, देवताओं का प्रिय और प्रेम से देखने वाला, क्या, प्रेम से देखने वाला। इसी में इसी के बारे में बोल रहा है, व्हेन ही हैड बीन कॉन्सिक्रेटेड 8 ईयर, जब उसने अपने 8 साल मतलब बिता दिए, ही बिलव्ड ऑफ द गॉड द किंग पियदासी कंक्यूर्ड किलिंगा, ठीक है ना, उसी के बारे में बता रखा है भाई, किलिंगा का युद्ध होने के बाद उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और फिर यही पूछा हुआ है इस एग्जेक्ट से, पियदासी, हु इज पियदासी, पियदासी कौन है, पियदासी ये अशोका ही है, ठीक है, अशोका राजा है वही पियदासी है, वो बाद में चेंज हो गया, ठीक है। ही ऑल्सो सेंट लर्न स्कॉलर, देखो अपने लड़का और लड़की को तो उसने श्रीलंका भेज दिया, और भी अपने जो स्कॉलर थे जो इन चीज़ों की शिक्षा ले रहे थे, किन चीज़ों की, बौद्ध धर्म की, उनको भी बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भेज दिया। ही बिल्ट ए नंबर ऑफ स्तूपाज, उन्होंने बहुत सारे स्तूपा बनाए एंड विहार्स फॉर बौद्धिस्ट मोंक, किन के लिए, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। ही हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुर पुत्र, और उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी काउंसिल बनाई बौद्ध के लिए। एंड विजिटेड ऑल द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धा, और बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित या महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी जगह थे उन सभी स्थानों पे इन्होंने यात्रा की, ठीक है। फिर अशोका का धम्मा आ जाता है, अब इन्होंने धर्म के बारे में जब चल पड़े तो फिर इनका जो चालू हुआ वो धम्मा हुआ, ठीक है। अशोक ने किलिंगा का युद्ध हार गया, अब फिर बौद्ध धर्म स्थापित कर लिया और बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। फिर आता है अशोका का धम्मा, धम्मा इज ए प्राकृत वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, ये एक प्राकृत भाषा का शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धर्म, इट मीन्स द राइट वे और द वे ऑफ ट्रूथ, इसका क्या मतलब हो गया, सही रास्ता या फिर द वे ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ यानी सच्चाई का रास्ता। अशोकास धम्मा वाज ए कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, अब ये क्या है, जो धम्मा है ना, अशोकास धम्मा वाज कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब इनका एक रूल हो गया जिससे वो इंस्पायर्ड होकर टीचिंग दे रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। द मेन प्रिंसिपल ऑफ अशोकास धम्मा वर एज फॉलोज, अब जो उनके मुख्य प्रिंसिपल थे वो ये थे, मतलब जो उन्होंने नियम बनाए हुए थे 5, वो ये थे, पीपल शुड बी पीसफुल एंड टॉलरेट एंड लाइव इन हारमोनी, लोगों को शांति से और सहनशीलता से, सहिष्णुता से और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के या सामंजस्य बना करके रहना चाहिए, पहला। फिर दूसरा है एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड नॉन इंजर्ड टुवर्ड ऑल लिविंग थिंग्स, हर किसी को फॉलो करना चाहिए अहिंसा का, और मतलब नॉन वायलेंस मतलब किसी को दुखी नहीं करना या परेशान नहीं करना, और नॉन इंजर्ड मतलब किसी चीज़ को मारना नहीं या किसी चीज़ को हार्म नहीं फैलाना, जिसमें सभी जीवित चीज़ें आ गई, पेड़ों के बारे में भी है ये, ठीक है। पीपल शुड लव वन अनदर एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हर आदमी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। पीपल शुड बी ट्रूथफुल काइंड एंड जनरस टूवर्ड ऑल, और पीपल लोगों को सच्चे राजा की सम्मान करना चाहिए, ठीक है। पीपल शुड ओबे एल्डर एंड एल्डर शुड ट्रीट चिल्ड्रन विद अंडरस्टैंडिंग, अब क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, पीपल शुड बी ट्रूथफुल, लोगों को सच्चा होना चाहिए, काइंड दयालु होना चाहिए और जनरस मतलब अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि उसको बड़ों का और छोटे बच्चों का सम्मान करना चाहिए और छोटे बच्चों को समझ के साथ ट्रीट करना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं कि भाई बच्चा गलती कर रहा तो थप्पड़ मार दिया, नहीं, उसको समझाओ, उसको बताओ और अच्छे से ट्रीट करो। अशोका सेट ए पर्सनल एग्जांपल बाय स्ट्रिक्टली फॉलो
द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा एंड इंस्पायर्ड अदर टू डू द सेम। ठीक है, अब अशोक जो थे वो अपने आप के ऊपर स्ट्रिक्टली इन रूलों को फॉलो कर रहे थे, धम्मा के रूलों को, ठीक है, इन नियमों को, और दूसरों को भी बोल रहे थे भाई देखो प्रभावित हो इन चीज़ों से और ऐसा करो। एज ए पार्ट ऑफ धम्मा ही प्लांट ट्री अलोंग द रोड फॉर शेड डग वेल्स, और इसी के हिस्से में इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, रोड बनवाए, कुएं खोदे, बिल्ट रेस्ट हाउस एंड कंस्ट्रक्ट हॉस्पिटल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, और जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनवाए और मतलब कुएं वगैरह खोद दिए। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मा हमत्रास, ठीक है, और इनने मतलब इनके जो मुख्य ऑफिस थे जिसे धम्मा मंत्रास कहा जाता था, टू स्प्रेड एंड एनफोर्स द, और मतलब उसका पालन करने के लिए धर्मा का, अपने कहने का मतलब है जो ये धम्म मंत्रास जो इन्होंने लिखे थे इन चीज़ों को लोगों को पालन करवाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या भाई, देखो इन धर्मों का पालन करो, इससे अच्छा हुआ किसी को परेशान ना करो। ही एट द प्रिंसिपल ऑफ धम्माज अनग्रेव्ड ऑन रॉक, और इन चीज़ों का कहाँ से पता चलता है, जो उन्होंने अनग्रेव, अनग्रेव मतलब होता है जो आधे गड़े हुए पत्थर हैं, ठीक है, उनके ऊपर पिल्लर्स, अशोका के पिल्लर आपने सुने होंगे, एंड केव्स और गुफाएं फॉर पीपल टू रीड द फॉलोस, इन सभी जगहों पे अशोका ने इन अपनी बातों को जिक्र किया और ये सारी चीज़ें लिखवा दी। तो आज हमने ये काफ़ी पढ़ लिया भाई, अब हम आगे वाला पढ़ेंगे अशोका एडिक्ट्स। अशोका एडिक्ट्स मतलब होता है उसके शिलालेख, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।